कोरोना के आंकड़े अप्रैल और मई की शुरुआत में जितने भयावह हो गए थे, अब उन आंकड़ों पर धीरे धीरे लगाम लगता दिख रहा है। एक एक कर थोड़ी राहत ही सही, लेकिन अच्छी खबरें आ रही है। जिस कोरोना से लगातार लोग संक्रमित होते जा रहे थे, अब इस कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अब रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। देश में अब कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाकर डबल से भी ज्यादा कर दी गई है और इसी के साथ अब देश के सिर्फ 8 ऐसे राज्य हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या 1,00,000 से ज्यादा है। देश के 18 राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या 50,000 से कम है। दिल्ली, यूपी और गुजरात में कोरोना के नए मामलों में गिरावट भी काफी ज्यादा देखी गई है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस किया था कि 1,00,000 से अधिक एक्टिव केसेस देश में 11 स्टेट्स में हैं। वह घटते घटते अब केवल 8 स्टेट्स रह गई हैं, जिसमें से गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, उसमें 1,00,000 से कम अब एक्टिव केसेस हैं। इसी तरह से 50,000 से 1,00,000 एक्टिव केसेस वाली स्टेट, जो कि पिछली बार 8 थी, वह बढ़कर 10 हो गई हैं, जिसमें मुख्यतः ये 3 स्टेट, जैसे मैंने आपसे अभी विनती की है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अब 50,000 से 1,00,000 एक्टिव केसेस हैं। और साथ ही दिल्ली जो है वह 50,000 से कम एक्टिव केसेस की दृष्टि में आ चुकी है। टोटल ऐसी स्टेट जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस है वह 18 हैं। और एक मुख्य विषय यह है कि एक स्थाई पर जो एक्टिव केसेस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी, या जो स्टेट जिनसे एक्टिव केसेस या नए केसेस ज्यादा आ रहे थे, उनमें हमने ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट किया है, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक कंटिन्यू ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन एक्टिव केसेस भी नोट किया जा रहा है। साथ ही पॉजिटिविटी एक मुख्य अंश है जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि इन्फेक्शन का देश में स्प्रेड कैसा है और किस तरह से हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट फील्ड पर चल रहा है। तो उसमें देखें तो 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर अभी 15% से अधिक पॉजिटिविटी है, जो कि एक कंसर्न का विषय है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली 13 स्टेट्स हैं और एक स्टेट जहां पर 5% से कम पॉजिटिविटी है। इसमें पॉजिटिव विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना ये चाहेंगे कि एक स्थाई पर ये 22 स्टेट्स होते हुए भी हमने देखा है कि ओवरऑल 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर कि हमने डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी को नोट किया है। साथ ही जो हमारी स्टेट्स एक्टिव केस कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, उन 10 स्टेट्स में से 9 स्टेट में हमारी केस पॉजिटिविटी फिर से कम होती दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु स्टेट, जहां पर कि हमें अभी भी एक बढ़ोतरी दिख रही है। दिल्ली जैसे हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह वीकली पॉजिटिविटी 25% से घटकर अब 13.6% हो गई है। मध्य प्रदेश 24.2 से 15.2% हो गई है। इसी तरह बिहार, झारखंड, यूपी और गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी लेस देन 10% नोट की जा रही है। इस वीकली पॉजिटिविटी में एक ट्रेंड और हम लोगों के आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, मुख्यतः एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन वीकली पॉजिटिविटी हम नोट कर रहे हैं अपनी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में, जिसमें मुख्यतः मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसके तहत ये इंपॉर्टेंट है कि इन स्टेट्स में हमारे कंटेनमेंट को और सुदृढ़ किया जाए। साथ ही अगर हम देखें कि हमारी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि एक बहुत पॉजिटिव विषय है, कि जहां पर एक स्थाई पर केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर इन्फेक्शन का स्प्रेड, जो कि हम पॉजिटिविटी के टर्म्स में हाईलाइट करते हैं, उसमें भी कमी नोट की जा रही है। 3 मई को देश में रिकवरी रेट 8.17% था, जो अब बढ़कर 85.6% हो गया है। अभी तक देश की कुल आबादी का 1.8% हिस्सा कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हो चुका है। न्यूज़ टेक ब्यूरो।